अंबाजोगाई तालुक्यातील सुगाव येथील उर्दू माध्यमाच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पहिले स्नेह संमेलन गुरुवारी सायंकाळी उत्साहात साजरे झाले. मुख्याध्यापक जाफरी कलिमुद्दीन आणि अध्यक्ष सर्वर पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे पहिले संमेलन होते. स्नेह संमेलनाच्या प्रारंभी शहीद जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. बर्दापूर पोलीस स्टेशनचे फौजदार लक्ष्मण केंद्रे यांच्या हस्ते सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून आणि दीप प्रज्वलनाने संमेलनाची सुरुवात करण्यात आली. चिमुकल्यांनी विविध गीते, लावणी, कव्वाली, नाटक सादर करून स्नेह संमेलनातून संस्कृतीचे दर्शन घडवून दिले. कार्यक्रमासाठी फौजदार लक्ष्मण केंद्रे, सदस्य समीर पटेल, सरपंच गंगूबाई भागवत, उपसरपंच बाबू पटेल, अध्यक्ष सर्वर पटेल, ग्रामसेविका रुक्मिणी लहाने, शरीफखा पटेल, सुंदर शिंदे, नामदेव शिंदे, सचिन शिंदे, प्रकाश शिंदे, मुजीब काजी, नानासाहेब टेकाळे, चेअरमन गणपत शिंदे, संतोष केंद्रे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी मुख्याध्यापक जाफरी कलिमुद्दीन, अध्यक्ष सर्वर पटेल, जफर शेख, श्रीमती शेख फरहद, श्रीमती काजी फिरदोस, रशीद पटेल, इलाही पठाण, शेख बख्तावर बाबा, अलमखा पठाण, शेख लडाखा यांनी परिश्रम घेतले. यावेळी विद्यार्थी, बहुसंख्य पालक, ग्रामस्थ, पंचक्रोशीतील नागरिकांची उपस्थिती दिसून आली. आजपर्यंत सुगावच्या शाळेत कुठलेही सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यात आले नाही. तुम्हाला ही कशी कल्पना सुचली की आपण स्नेह संमेलन घ्यावं किंवा ज्या महापुरुषांच्या जयंती आहेत त्या जयंत्या साजरा कराव्या, हे तुम्हाला कसं सुचलं सर? सबसे पहले मैं तो नमस्कार करूंगा कि मैं जहां भी जाता हूं तो महापुरुष जो भी हो, शिवाजी महाराज हो, अंबेडकर हो, सबकी जयंती मैं हर स्कूल में मनाता हूं और मनाते आया हूं. तो जैसा ही मैं जून से यहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो मैंने सोचा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भी शिव जयंती मनाने का मैंने सोचा. हमारे अध्यक्ष जो कमेटी के अध्यक्ष हैं सर और पठान, उनसे भी कहा कि हम शिव जयंती मनाएंगे. तो मैंने मेरे दिल में ये सोचा कि मैंने मनाना चाहिए क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति जो हैं उनकी उनकी जयंती मनाना ज़रूरी है. तो ये मेरे दिल में रहा. और दूसरी बात है वार्षिक स्नेह सम्मेलन का रही बात, तो वार्षिक स्नेह सम्मेलन कभी उर्दू माध्यम में ऐसा बड़ा वार्षिक स्नेह सम्मेलन नहीं हुआ. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक बार वार्षिक स्नेह सम्मेलन लेंगे उर्दू माध्यम में. क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने इससे पहले यहाँ कर मराठी माध्यम का भी देखा. सोचा कि क्यों ना हम भी एक बेहतरीन अंदाज में एक वार्षिक स्नेह सम्मेलन लेंगे, गैदरिंग लेंगे, संस्कृत प्रोग्राम लेंगे, तो हर एक्टिविटी मनाएंगे. तो इससे एक ऐसा एक मैसेज जाता है गांव के कि स्कूल की जो प्रगति है वो अच्छी हो सकती है. गांव के समाज भी समाज ने भी हमको अच्छा सहकारी किया और ज़्यादातर हमको यहाँ की कमेटी SMC जो है, शाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जितने मेंबर हैं, इन्होंने बहुत सहकारी किया. ये उनकी भी प्रतिसाद है. लोगों ने, यहाँ के ग्राम पंचायत ने भी हमको सहकारी करे और उसके साथ साथ यहाँ के बच्चों ने, पालकों ने, इन्होंने भी हमको सहकारी करे कि आप वार्षिक स्नेह सम्मेलन ले, अच्छी तरीके से ले. तो मैंने इन लोगों के सामने रखा तो इन्होंने भी कहा कि आप ले सकते हैं. तो और बेहतरीन अंदाज में हमने ये आप पे